सर अभी तक हमने पढ़े नहीं है सर, अभी पढ़ने लगे हैं हम, yes, आधे घंटे में हो जाएंगे। काइंडली सर वो सर अगर मिस करा दें सर आप। नहीं हम मिस नहीं करा सकते, वो रीजन ये है क्योंकि आपका ब्लॉग एग्जाम में कवर होना है, ये है हमारा लास्ट टेस्ट है, इसके बाद हमारे पास टेस्ट नहीं है। ब्लॉग में दे देंगे सर इसको। नहीं सुन लो मेरी बात, बहस नहीं करनी है आपने बात, मैं आपने सोच के किया हुआ ना, क्योंकि इसके बाद जो आपका टेस्ट जिनका नहीं हो रहा वो भी काफी सिलेबस है जो डॉक्टर मदरसन ने आ कल और अगले दो दिनों में कवर करना है। पूरे डेट्स हैं, पूरे ब्लड ग्रुप्स हैं, उनके डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, चीजें रिस्की मत करो। स्मूथ मसल छोटा सा टॉपिक है, अभी हम स्टार्ट करेंगे आधे घंटे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, स्मूथ मसल को परेशान सर सिर्फ आपकी मतलब सर स्लाइड्स कर लेना, बहुत है स्लाइड्स कर लेना बस, बहुत है। दूसरा काम भी काफी आता है सर, तो स्मूथ मसल वाला जो है वाइबर भी आ जाना सर, उसमें तैयारी भी हो रही है। तो स्मूथ मसल में कुछ है ही नहीं भाई, ये पढ़ाऊंगा तो देख लेना तुम, कंपैरिजन है सर और भी सिलेबस है ना। तो भाई पहले का सिलेबस है वो, आज तो नहीं ऐड हुआ। अच्छा चलो हम स्मूथ मसल स्टार्ट करते हैं। हम पहले क्या कर रहे थे, वो हीट वाली चीज करनी है। दिल टूट सा। अच्छा जी, ये बात हम कर रहे थे, रोनाल्डो वाली बात कर रहे थे कि जिसमें वो सर बैटरी ऑफ हो गई लैपटॉप की, वरना मैंने कंप्लीट करना था ये। रेस्टिंग हीट जब वो बैठा हुआ है, एथलीट बैठा हुआ है तो उसकी रेस्टिंग हीट है, जब उसने एक्टिविटी स्टार्ट कर दी तो उसके अंदर इनिशियल हीट आ जाएगी। ऑब्वियसली जब वो भाग रहा है तो मसल्स कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही है, तो उसकी कुछ एक्टिवेशन हीट और शॉर्टनिंग हीट जो है वो उसमें प्रोड्यूस हुई है। यानी रेस्टिंग हीट में इनिशियल हीट ऐड की जाए तो वो एक्टिविटी हो रही है उसकी, इनिशियल हीट इज ड्यू टू द एक्टिवेशन एंड शॉर्टनिंग। और जब वो दोबारा आगे रेस्ट करेगा, बैठेगा, तो जो एक्टिवेशन इनिशियल हीट है उसमें निकल जाएगी, तो वापस वो रिकवरी हीट पे आ जाएगा। वो रिकवरी हीट वही होगी जो कि रेस्टिंग थी। बस ये कुछ डेफिनेशंस थी हीट की, तो मैंने कहा आप लोगों को बता दूं, ठीक है। हेलो यार, मुझे फौरन रिस्पॉन्ड किया करो प्लीज। यस सर, यस सर। चल अब हम वो दूसरी चीज स्टार्ट करते हैं, स्मूथ। आ गया जी, शेयर हो गया। काइंडली स्लाइड्स वो व्हाट्सएप पे भी जी, मैं व्हाट्सएप, मैं ये लेक्चर के फौरन आपको आधे घंटे के अंदर व्हाट्सएप कर दूंगा, एक दफा रिव्यू करके व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है। एक्चुअली होता ये है, रीजन ये है कि मैं स्लाइड्स मेरी ना फिक्स होती, मैं कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ रीडिंग करता रहता हूँ, कभी कुछ पढ़ रहा हूँ कभी कुछ, तो कुछ ना कुछ चीज़ें ऐड होना हो जाती हैं, ठीक है। इसलिए वो आप लोग प्लीज मेंशन ना करना कि मैंने पहले भी आप लोगों को दो दफ़ा दे चुका हूँ, फिर आज चीज़ें दो तीन ऐड कर, वो मेरा ये पता नहीं अच्छी बात है कि बुरी बात है कि मैं वो कंटिन्यूअसली मेरी चीज़ें कुछ ना कुछ मेरे माइंड में आती रहती हूँ, मैं ऐड करता रहता हूँ, ठीक। सो स्मूथ मसल्स क्या थे जी, स्मूथ मसल्स जी, अब थोड़ा सा इंटरेक्शन एक्टिव हो जाए जरा, क्योंकि हमने इनवॉलंटरी नॉन स्ट्राइएटेड जी, इनवॉलंटरी मसल्स और इनवॉलंटरी मसल्स कहाँ होते हैं हमारे, विसरा में होते हैं, हमारी इंटेस्टाइन है, ड्यूटिनम है, इसोफेगस है, स्टमक है, ये सारे क्या हैं, स्मूथ मसल्स हैं, और इन स्मूथ मसल्स में कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही है, ऑब्वियसली हमारे कंट्रोल में नहीं है, इनवॉलंटरी है। इनिशियली हमने देखा जब हमने स्टार्टिंग में कंपैरिजन किया था तो हमने बताया था कि वो इनवॉलेंटरी होते हैं, उसमें ये चीजें होती हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे अब चीज ने क्या किया है, स्मूथ मसल्स हैं वही चीज है, उसको कैसे किया है, इसको अब हम देखते हैं जी। इसको रीड करें, शाबाश जी, कौन करेगा बेटा? मैं कर दूं सर। आपका नाम क्या है? इब्राहिम सर जी। इब्राहिम पढ़ो, चलो शाबाश। Introduction. Non-striated, involuntary, 1 to 5 microns in diameter, 2 to 500 microns in length, composed of actin and myosin protein. In contrast, skeletal muscle fibers are as much as 30 times greater in diameter and hundreds of times as long. So, ab yahan pe iska introduction dekhne ja rahe hain. It is a non-striated muscle, which is involuntary, 1 to 5 microns in diameter, 200 to 200 microns in length hai. और सेंटीमीटर 30 टाइम्स ग्रेटर है, ठीक है। अब देखो मेन मैं पर्पस बता दूं, नेचर ने बहुत बड़ा स्टैटिस्टिक काम ये किया यहाँ पर कि ऐसे मसल्स क्रिएट किए, हमारा टारगेट, नेचर का टारगेट ये था कि ऐसे मसल्स क्रिएट करें जो कि इनवॉलेंट्री हों, जो कि कंटिन्यूसली काम करते रहें, जिनकी मसल कंट्रैक्टिव पावर है वो स्ट्रांग हो एज कम्पेयर टू स्केलेटल मसल, और उसको इफेक्टिव बनाया जाए इतनी स्ट्रॉन्ग पावर के बावजूद उसकी एनर्जी कम यूज हो। देखो आइडियली है ना सारा,
कहाँ स्केलेटल मसल में हम डिपेंड करता था कि फास्ट यूज करने लो यूज करने मोटर यूनिट्स डिपेंडिंग ऑन दैट थिंग हमारी एटीपी यूटिलाइज हो रही थी. लेकिन स्मूथ मसल्स में गेम ये हुई कि हमने फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा चाहिए, ड्यूरेशन ऑफ कंट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा चाहिए, बट एटीपी हमें बहुत कम यूज करनी है, बहुत सिनेरियो है. तो अब ये देखो कि ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये अब हम जा रहे हैं कि कैसे पॉसिबल हुआ, हम कंपैरिजन करेंगे. तो ये 30 टाइम्स ग्रीन डायमीटर है एज कम्पेयर टू स्केलेटल मसल. इसका डायमीटर भी बड़ा है, हर चीज को एम्पलीफाई कर दिया गया, डायमीटर इंक्रीज कर दिया गया, लेंथ इंक्रीज कर दी गई, उसका स्ट्रक्चर चेंज कर दिया गया, उसकी जो ड्यूरेशन ऑफ कंट्रैक्शन वो इम्प्रूव कर दी गई, ज्यादा देर की होती है, उसकी जो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन है उसको ज्यादा इम्प्रूव कर दिया गया, और उसकी जो अल्टीमेटली जो यूज होनी है वो बहुत कम कर दी गई. तो ये आइडियल सिनेरियो होने वाला है. ठीक है जी, आगे smooth muscle. Essentially, the same attractive forces between myosin and actin filaments cause contraction in smooth muscles as in skeletal muscles. But the internal physical arrangement of smooth muscle fibers is different. So, kya kaha ji unhone ke same attractive forces between myosin actin, it means ke wahan par myosin actin filaments maujood hain, koi aur nayi cheez nahi aane wali, myosin actin filament maujood hain, लेकिन वहां पर कोई इंटरनल फिजिकल अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट है एज कम्पेयर टू स्केलेटल मसल. इसी रीजन की वजह से क्या चीज यहाँ पर नहीं होती स्मूथ मसल में इसकी अरेंजमेंट की वजह से? वेरी गुड, शाबाश. ये किसने बताया? वेरी गुड, शाबाश. दैट्स द रीजन के उसकी स्ट्राइशंस नहीं होती. दिस इज नॉट अ स्ट्राइटेड अपीयरेंस. इट मींस के मायोसिन एक्टिन मौजूद है बट वहां पर वो जोन्स वाला गेम खत्म हो गई, बैंड्स वाली खत्म हो गई, ए बैंड, आई बैंड, एच जोन, एम लाइन, ये सब कुछ खत्म हो गया. इट मींस कि इसके स्ट्रक्चर में बहुत मैसिव चेंजेस आने वाली हैं जिसकी वजह से इसको मॉडिफाई किया गया, जिसकी वजह से स्ट्राइटेड अपीयरेंस इसकी नहीं आती है. ऑब्वियसली मॉडिफिकेशन की जिसकी वजह से हमें प्रोलॉन्ग कंट्रैक्शन चाहिए, हमें फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बहुत ज्यादा चाहिए, हमें कम एनर्जी चाहिए, तो इसलिए मॉडिफिकेशन की हैं कुछ नेचर ने. वो हम देखते हैं कि क्या मॉडिफिकेशन की हैं. जी आगे बढ़े. Elongated cells are different lengths, single nucleus centrally placed, both bands in smooth muscle, dense bodies present in cytoplasm instead of Z-discs, mainly through these bonds, force of contraction is transmitted from one cell to next. Arranged in circular and longitudinal patterns, G-tubules are absent 5 to 10 times as many actin filaments. So, yahan pe kya kya difference pata lage? Kya kya changes hui hain? Ji, koi batayega? अभी तक क्या क्या चेंजेस आपने पॉइंट आउट किए हैं? जी सीआर. यस सर, आप बता. सभी तक हमने सर इसमें किए कि न्यूक्लियस सिंगल होता है इसके, सर सिंगल न्यूक्लियस प्लेस्ड होता है और सर स्ट्रिएशंस नहीं होती, नो इसमें बैंड्स नहीं होते, इसका साइज जो होता है वो बड़ा होता है और सर वो वॉलंटरी होते हैं स्केलेटल मसल्स, ये इनवॉलंटरी होते हैं और सर इसमें टी ट्यूब्यूल्स एब्सेंट होती हैं. वेरी गुड. और सर इसके अलावा z डिस्क की जगह एक अल्टरनेटिव प्ले दिया गया, दैट इज डेंस बॉडीज. z लाइंस को खत्म करके उसमें अल्टरनेटिव जगह एक पॉइंट दे दिया गया, एक स्ट्रक्चर दे दिया गया, डेंस बॉडीज. अब यहां पर बेसिकली ये होने जा रही है कि जो स्ट्रक्चर्स थे z लाइंस, t2s, इस तरह की जो चीजें थी उनको कुछ रिप्लेस किया गया, कुछ चीजें पुरानी ही यूज कर ली गई और कुछ चीजों को रिप्लेस किया गया क्योंकि बिकॉज हमें यहां पर जो रिक्वायरमेंट थी उसके मॉडिफाई किया जा रहा है. यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है? लार्जर कंट्रैक्शंस, ग्रेटर ड्यूरेशन ऑफ कंट्रैक्शन, ग्रेटर फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन विद लेस यूटिलाइजेशन. उस चीज को अचीव करने के लिए यहाँ पर कुछ मॉडिफिकेशंस की जा रही हैं. वो ये किया जा रहा है, नंबर वन, एक तो बैंड्स खत्म कर दिए गए, नो बैंड्स, इट मींस के नो जोन्स, सार्कोमेयर ऐसा उसमें नहीं बना हुआ, जेड डिस्क की जगह डेंस बॉडीज का एक नया स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस करा गया है. टी ट्यूब्यूल्स जो है वो टोटली एब्सेंट कर दिए क्योंकि टी ट्यूब्यूल्स का काम क्या था, वो इंटीरियर एक्सटीरियर को कनेक्ट कर रहे थे. इट मींस के यहां पर टी ट्यूब्स नहीं, इट मींस के डायरेक्ट एक्सेसरल फ्लूइड से कैल्शियम उसको मिलेगा. ठीक है, इसमें टी ट्यूब्स के थ्रू नहीं आएगा कोई, नो डीएचपी, आरवाईआर, वो गेम सारी खत्म हो गई. डायरेक्ट कैल्शियम आएगा, जाके डायरेक्ट ट्रोपोनिन सी पे लगेगा. तो यहां पर टी ट्यूब्स एब्सेंट हैं एंड इट इज 5 टू 10 टाइम्स मेनी एक्टिन फिलामेंट्स एज मायोसिन फिलामेंट्स. तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जी. आगे ये आप देख सकते हो इसमें जगह ये डेंस बॉडीज आ गई. जी सर, ये जो प्रीवियस स्लाइड थी सर, इसमें सर लिखा हुआ है कि एक्टिन और मायोसिन भी होती है, बट सर व्हेन वी वर स्टडिंग द कंपैरिजन बिटवीन द डिफरेंट टाइप्स, तो सर वहां पे लिखा था कि इसमें मेन प्रोटीन जो होती है कैल मॉडुलिन होती है. तो सर फिर वो कैल मॉडुलिन इज द बाइंडिंग प्रोटीन. ठीक है,
अभी हम आगे जाएंगे, जो रोल टीटीबीयूस ने करना था या डीएचपी या आरवाई करना था वो कैल्शियम के अंदर कैल मॉडल ने रोल प्ले करेगा। अब ये आते हैं ना आपको पता लग जाएगा, जब एंड पे लेक्चर पहुंचो ना फिर मेरे से बात करना, ठीक है? elongated cells of different lengths, इसका मतलब है कि smooth muscles सबकी different cells की different, देखो इसमें different pattern होता है, ये इसीलिए circular और longitudinal patterns में मौजूद होता है, इसका कोई fixed zones नहीं है, इसका sarcomere का वो जो striated appearance थी खत्म हो गई है, different lengths में circular और longitudinal pattern में, because different multi-directional force of contraction हमें required है। अब आपके skeletal ये जो GIT के muscles हैं ये circular हैं, आपके अब ट्यूब अगर स्ट्रेट होती तो वो फिर स्ट्रेट मूवमेंट क्या होती है, पर लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर दोनों पैटर्न्स में स्मूथ मसल हमारा वहाँ पे प्ले हुआ है, दैट्स व्हाई वहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट भी होती है और सर्कुलर मूवमेंट भी होती है। हमारे गट में जो मूव्स होती हैं, फूड बुलस मूव करता है, वो अगर सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल होती तो वो खासा होती, लेकिन सर्कुलर मूवमेंट्स की वजह से भी वो मूवमेंट हो रही है, ठीक है? तो ये स्मूथ मसल, और इसकी दूसरी एग्जाम्पल आपकी ब्लड वेसल्स भी आ जाती हैं, वेसल्स में भी आपके ये स्मूथ मसल्स इन्वॉल्व हैं जो कि वेजो कंस्ट्रक्शन और वेजो डायलेशन रोल प्ले करते हैं। इट्स जस्ट लाइक अ जो पानी का पाइप होता है उसको आप उसको प्रेस करते हो तो वो क्या है, वो सर्कुलर मूवमेंट हो रही है, सर्कुलरी कंट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है? तो ये सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल पैटर्न में स्मूथ मसल्स मौजूद होते हैं जिसकी वजह से वो फंक्शंस अचीव होते हैं। ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे डेंस बॉडीज हैं, बीच में ये आपके मायोसिन फिलामेंट्स हैं और एक्टिन फिलामेंट्स हैं, लेकिन आप ये देखो अगर इररेगुलरली प्लेस्ड हैं, कोई रेगुलर पैटर्न नजर नहीं आ रहा है, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर पैटर्न में ये सेल स्ट्रक्चर्स जो हैं आपकी प्रोटीन मसल्स की वो मौजूद हैं। जी अब आगे एक नया स्ट्रक्चर आ गया, कैबुलाए, टी टिब्यूल्स खत्म किए तो टी टिब्यूल्स की जगह एक और नया स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस करा दिया गया, दैट इज कैबुलाए। जी पढ़ें, कैबुलाए स्मूथ मसल्स लाइक टी टिब्यूल्स सैक लाइक पॉकेट्स कॉल्ड कैबुलाए आर प्रेजेंट मेंटेन्स इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयंस फ्रॉम। जी सीआर किसी का नाम लो भाई, सर अब्दुल रहीम। जी अब्दुल रहीम, आवाज आ रही है मेरी? जी आवाज आ रही है। अभी मुझे बताओ क्या क्या डिफरेंसेस नजर आए आपको स्मूथ मसल की दुनिया, क्या चीजें डिफरेंट हैं एज कंपेयर टू स्केलेटल मसल? सो एक तो ये कि टीटीबीयूस की जगह यहाँ पे हमें कैबुलाए की प्रेजेंस नजर आ रही है, उसके अलावा ये कि वो मोनोन्यूक्लिएटेड हैं जबकि यूजुअली जो मसल स्केलेटल मसल्स होते हैं वो मल्टीन्यूक्लिएटेड होते हैं। इसके अलावा स्केलेटल मसल्स जो होते हैं उनका साइज काफी होमोजेनस होता है, वो यूजुअली इवनली साइज होते हैं। यहाँ पे आपके जो स्मूथ मसल्स हैं उनके उनके अनइवन साइजेस हैं। इसके अलावा ये कि आपका जो स्मूथ मसल है उसमें जो अल्टरनेट मायोसिन की जगह कैल मॉडलिन प्रेजेंट थी है कैल्शियम बाइंडिंग के लिए, और इसके अलावा ये कि जो स्मूथ मसल्स हैं उनमें वो विस्रा में प्लेस होते हैं ना कि आपके बोन्स के साथ, ठीक है? सो इसमें हमें दो से तीन बातें जो पता लगी, एक तो हमें पता डेंस बॉडीज आ गई, कैबुलाए आ गए, ठीक है? ये इसमें मेन फीचर्स हैं अभी तक। ये आप देख सकते हो कैबुलाए मेन पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, बेसिकली कैल्शियम को स्टोर करते हैं और कैल्शियम प्रोवाइड करते हैं फॉर स्मूथ मसल इंट्रैक्शन, जबकि वहां पर क्या थी, टी टिब्यूल्स थे, टी टिब्यूल्स प्रोवाइड करते थ्रू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहां से कैल्शियम आ रहा था। यहां पर कैबुलाए हैं जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से साथ कनेक्ट करेंगे, एक्सेसरी फ्लूइड के साथ कनेक्ट करेंगे और कैल्शियम प्रोवाइड करेंगे फॉर स्मूथ मसल कंट्रैक्शन। अब दूसरा एक और डिफरेंस आ रहा है, दैट इज द साइड बोलर क्रॉस ब्रिज, वहां पर डिफरेंट थे, ठीक है? वहां पर जस्ट लाइक आप समझो जिस तरह अगर आपने बोटिंग की हुई है तो आप देख सकते हैं वो कैसे उसकी मूवमेंट करते हैं। अगर आपने एक डायरेक्शन में मूव करना है फ्रॉम ए टू बी तो आपकी डायरेक्शन क्या होगी जो आप उसको चलाएंगे? जी मैं सारे उसको पीछे की तरफ मूव करेंगे कि आगे की तरफ मूव करेंगे? पीछे की तरफ मूव करेंगे, लेकिन इधर क्या हो रहा है, जो एक साइड है वो पीछे की तरफ कर रही है और एक साइड जो है वो आगे की तरफ मूव कर रही है। अब इससे बोट की मूवमेंट कैसी होगी, आगे जाएगा पीछे जाएगा कि घूमना शुरू हो जाएगा। देखो अब ये देखो नेचर ने कितनी माइक्रो लेवल पे जाके गेम किया है कि ऐसा पैटर्न रखा, साइड पोलर ब्रिजेस रखे ताकि लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट्स के साथ साथ सर्कुलर मूवमेंट्स भी रिक्वायर्ड थी, ठीक है? तो यहां पर एक और डिफरेंस आ गया, दैट इज द साइड पोलर क्रॉस ब्रिजेस व्हिच आर प्रेजेंट ओनली इन स्मूथ मसल्स। जी इसको एक रीड करते हैं बेटा।
Most of the myosin filaments have side polar cross bridges arranged so that the bridges on one side hinge in one direction and those on the other side hinge in the opposite direction. This configuration allows myosin to pull an actin filament in one direction on one side while simultaneously pulling another actin filament in the opposite direction on the other side. The value of this organization is that it allows smooth cells to contract as much as 80% of their length instead of being limited to less than 30% as occurs in skeletal muscle. So, ab skeletal muscle mein kya hota tha, wo length ko agar jo sar ko mere approximate ho rahi thi, wo sirf 30% comparison mein agar dekha jaye smooth muscle mein jo contraction, jo force of contraction, wo 80% more active hai in respect with length as compared to skeletal muscle because of these side polar ridges. Because wahan par kya tha wo A bands, I bands, वो shorten होते, pull होता था, power stroke होता था, वो limitize होता था, structure infrastructure maintain रहता था, titin protein अपना role play करती थी, और उसमें coiling recoiling phenomena होता है, ठीक है? अब यहाँ पर क्या हो गया side polar में कि यहाँ पर 80% length में ज़्यादा movement हो रही है because of these side polar bridges, ठीक है? Circular movements हो रही हैं, longitudinal movements हो रही हैं, कोई bands की limitation नहीं है, कोई striations की limitation नहीं है, that's why यहाँ पर length में अगर comparison किया जाए तो 80% more contraction as compared to length as compared to in skeletal muscles. This is called as side polar bridges. So abhi tak humne two differences dekh liye. Ek to cavulae ka difference hai. Instead of T-tapules, cavulae present hote hain. Instead of Z-lines, dense bodies present hoti hain. Aur ye tara aa gaya side polar bridges. Ji, aage. Innervation. No neuromuscular junctions. Under control of autonomic nervous system, innervating nerves have swellings called varicosities. Varicosities release neurotransmitter in interstitial spaces called diffuse. So, isme prominently agar dekha jaye to NMJ jis tarah defined skeletal muscle mein us tarah defined smooth muscles mein NMJ nahi hota. इसमें कुछ जो नर्व्स होती हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बेसिकली सप्लाई कर रहा है. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का आइडिया है किसी को, कोई मुझे बता देगा, ओरिएंटेशन देगा? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, व्हाट ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम? जी, एनीवन? सर जो इनवॉलंटरी रिएक्शन, ऑब्वियसली इनवॉलंटरी कंट्रोल में रोल प्ले कर रहा है. इट इज हैविंग टू पार्ट्स, टू डिविजंस, द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. और ऑब्वियसली जब हमारा कोई इमरजेंसी फ्लाइट की सिनेरियो होता है उसमें ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है. हमारे मोस्टली जो इनवॉलेंट्री स्मूथ मसल्स हैं, हार्ट हो गया, ब्लड वेसल्स हो गई, गट हो गई, ब्लड, ठीक है, ये सारे जो हैं इसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इनर्वेट कर रहा है. जब भी रिक्वायरमेंट होती है तो उसके अकॉर्डिंगली वो फंक्शन होता है. एक इंशाल्लाह जब ये कर लेंगे हम हार्ट शुरू करने से पहले मैं आपको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे एक लेक्चर दूंगा. एक गाइडन में टेबल है जिसमें डिफरेंट सिस्टम्स के ऊपर बात की है कि डिफरेंट सिस्टम्स में सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन क्या होता है और पैरासिंपैथेटिक स्टिमुलेशन क्या होता है. ठीक है, अगर हमारी बॉडी में सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन एक्टिव हो जाए तो हमारी बॉडी में क्या चीजें आएंगी डिफरेंट सिस्टम्स में, और पैरासिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है तो कौन सी चेंजेस आएंगी डिफरेंट सिस्टम्स में. सो ये एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है जिसमें सिंपैथेटिक पैरासिंपैथेटिक, तो ये इनर्वेशन हो रही है स्मूथ मसल्स की ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से. और इसमें आ रहे हैं कि उसकी जो स्वेलिंग्स होती हैं, इसकी जो ब्रांचेस होती हैं सिंपैथेटिक सिस्टम की, पैरासिंपैथेटिक की, वहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं और फिर वो थ्रू डिफ्यूज जंक्शंस जाके मसल्स में अपना रोल प्ले करते हैं और जाके कुछ मैकेनिज्म्स एक्टिवेट करेंगे. जिस तरह एसिटाइल कोलीन ने जाके उधर एक्टिवेट किया था और एक्शन पोटेंशियल डेवलप किया था, तो यहाँ कुछ उस तरह का तो नहीं है स्ट्रक्चर जिस तरह का वहाँ पर वेल डिफाइंड था, लेकिन यहाँ पर कुछ एक्टिविटी होगी जो कि अभी हम आगे पढ़ने जा रहे हैं कि वो क्या क्या होंगी. सो यहाँ पर प्रोटीन्स देखी जाए तो एक्टिन प्रेजेंट है, मायोसिन प्रेजेंट है, ट्रोपोमायोसिन प्रेजेंट है, कैलमोडुलिन प्रेजेंट है, ट्रोपोनिन एब्सेंट हो गई. अब देखो नेचर ने यहाँ पे क्या किया, ट्रोपोनिन को ऐड करके, ट्रोपोनिन का काम क्या था वहां पे, ट्रोपोनिन सी के साथ रोल प्ले कर रहा था, ट्रोपोनिन सी पे कैल्शियम आगे लग रहा था, तो ट्रोपोनिन सी गायब हो गया जिसकी वजह से उसको कंपनसेट करने के लिए यहाँ पर एक और प्रोटीन आई, दैट इज कैलमोडुलिन. सवार आप जो क्वेश्चन कर रहे थे वो आपको आंसर मिल गया कि यहाँ पर कैलमोडुलिन प्रेजेंट हो गई because वहां पर absent है, क्योंकि troponin का role क्या था, tropomyosin के साथ था, troponin का role tropomyosin के साथ था, क्योंकि वहां पर active sites को cover करके रखा हुआ था tropomyosin ने, और troponin साथ एक rate limiting step के तौर पर role play कर रहा था, उस पर calcium लगती थी, troponin tropomyosin complex formation change आता था, active site exposed हो जाती थी. यहाँ पर हमें वो चीज़ required नहीं है, यहाँ पर हमें ये नहीं है कि voluntary control में हमें जब
दिल करेगा तो हार्ट के मसल्स को कंट्रैक्शन कर लेंगे, जब दिल करेगा तो नहीं करेंगे, ऐसे नहीं है। यहाँ पर कोई ऐसी रेट लिमिटिंग स्टेप नहीं है, कोई एक्टिव साइट्स कवर्ड नहीं है, तो ट्रोपोनिन का रोल ऐसा नहीं है, ट्रोपोनिन इसमें एबसेंट हो गई है और कैल मॉडलिन इसमें प्रेजेंट है इंस्टेड ऑफ ट्रोपोनिन। सो यहाँ पर हमें कॉमन सेंस पता चल रही है कि जब कैल्शियम ने आना है तो इंटरेक्ट किससे करेगी, स्लो फास्ट रेड वाइट फाइबर्स जो थे ये स्केलेटल मसल फाइबर्स थे। स्केलेटल मसल कंट्रैक्शन की टाइप थी, वेरी गुड, आइसोटोनिक आइसोमेट्रिक। तो हम करने के जा रहे हैं स्मूथ मसल की डिफरेंट टाइप्स करने जा रहे हैं, स्मूथ मसल फाइबर्स की डिफरेंट टाइप करने जा रहे हैं, ठीक है। अब स्मूथ मसल फाइबर की डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो किस डिपेंडेंट हैं, वो डिपेंड करता है कि हर एरिया की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है, हर एरिया की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली उस स्मूथ मसल ने अपनी फिजिकल डायमेंशन डिफाइन की हुई है, उसने बंडल्स में आना है, शीट्स में आना है, उसका स्टिमुलस रिस्पॉन्स कैसा है, उसकी इनर्वेशन कैसी है और वहाँ पे फंक्शन क्या रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल हम ब्लड वेसल्स में, ऑब्वियसली ब्लड वेसल्स में जो स्मूथ वेसल्स का रोल है वो डिफरेंट है, जो कि हम कह सकते हैं कि ब्लैडर में रोल है, यूरिनरी ब्लैडर में बिल्कुल रोल है, वो भी स्मूथ मसल्स हैं। हमारे हार्ट के मसल्स भी स्मूथ मसल हैं, उनके वहाँ पर रोल डिफरेंट है। सो डिपेंडिंग ऑन द टाइप, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, स्मूथ मसल्स ने अपने आप को अडेप्ट किया है और इन पाँच फैक्टर्स की वजह से स्मूथ मसल्स की डिफरेंट टाइप्स डिफाइन हुई हैं, ठीक है। अब वो टोटल टाइप्स हैं याद रखना है आपने, यूनिटरी स्मूथ मसल्स एंड मल्टी यूनिट मसल्स, यूनिटरी स्मूथ मसल्स, सिंगल यूनिट मसल्स एंड मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स। नाम से ही जाहिर है, कोई बताएगा, कोई जीनियस, क्या फंक्शन होगा इन दोनों का, क्या इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं आगे, कॉमन सेंस। सर सिंगल में यूनिटरी में सिंगल मोटर यूनिट होगा, गुड, और मल्टी यूनिट में सर सिंगल यूनिट में इकट्ठे स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे सारे फाइबर्स के। अच्छा, मल्टी यूनिट में इतना है, इसकी एग्जांपल इस तरह है कि क्लास आपकी हो रही है और क्लास में जी मैं आगे खड़ा हो गया, मैं सबको कहता हूँ सारे खड़े हो जाओ, सारे बैठ जाओ, तो अब ये क्या है कि मैं कमांड कर रहा हूँ और सारे उसको फॉलो कर रहे हैं, दैट इज द सिंगल यूनिट स्मूथ मसल, यूनिटरी स्मूथ मसल, यूनिटी है, ठीक है। दूसरा जी करते हैं, मैं वहां से चला जाता हूँ और आपकी क्लास में दोनों सी आर और जी आर खड़े हो जाते हैं, अब सी आर कह रहा है खड़े हो जाओ और जी आर कह रही है बैठ जाओ, तो कुछ लोग खड़े हो जाएंगे कुछ लोग बैठ जाएंगे, अब क्या है मल्टी यूनिट हो गया, दो डिफरेंट कमांड्स मिल रही हैं और हर कमांड जो हो रही है, कमांड देने वाली नर्व है वो अपने अपने एरिया को इनर्वेट कर रही है, जिसकी वजह से डिफरेंट इफेक्ट आ रहा है, कुछ मसल्स कंट्रैक्ट कर रहे हैं कुछ रिलैक्स कर रहे हैं। तो ये है आपका यूनिटरी स्मूथ मसल और मल्टी यूनिट, इसको एक दफा रीड कर लेते हैं। सर बट वो तो सर इनवॉलंटरी थे, तो सर पे इनर्वेशन क्यों चाहिए, इनर्वेशन रिक्वायर्ड इसलिए कि इनर्वेशन इसलिए रिक्वायर्ड है कि आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कमांड कर रहा है, मैं कमांड नहीं कर रहा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट एक्टिवेट हो रहा है और वो कमांड कर रहा है। ऑलराइट, यस पढ़ें जी। विसो/यूनिटरी स्मूथ मसल, आल्सो कॉल्ड सिनेस्थियल स्मूथ मसल, विसो स्मूथ। The term unitary is confusing because it does not mean single muscle fibers. Instead, it means a mass of hundreds to thousands of smooth muscle fibers that contract together as a single unit. The fibers usually are in sheaths or bundles, and their cell membranes are adherent to one another at multiple points, so that force generated in one muscle fiber can be transmitted to the next. In addition, cell membranes are joined by many gap junctions through which ions can flow freely from one muscle cell to the next. So the action potentials can travel from one fiber to the next and cause muscle fibers to contract. So isme kya hai ji, unity hai, unitary muscle hai, isme do teen baatein badi important hain, ek to ye ki they are adherent to each other, har cell apne aap ke sath ek dusre ke sath jude hue hain bahut strong bond ke sath, aur jo bond unka bana hua hai that is gap junction, gap junction ki humne properties padhi thi ki gap junction se kya hota tha, ions freely move, it means ke jo message convey ho raha hai main khade hokar message de raha hu तो वो सारे स्टूडेंट्स को मिल रहा है, मे बी पहले को मिला, पहली रो ने कहा सर ने कहा खड़े हो जाओ, तो वो सेकंड रो को भी कन्वे कर रहे हैं क्योंकि आप में उनकी यूनिटी है, फिर थर्ड को बता रहे हैं, थर्ड वाले फोर्थ को बता रहे हैं, तो अल्टीमेटली पूरी क्लास एक ऑर्डर को फॉलो कर रही है, दे आर एडहेरेंट टू ईच अदर एंड दे हैव द गैप जंक्शंस सो दैट द आयंस कैन फ्रीली फ्लो फ्रीली फ्रॉम वन मसल सेल टू द अदर, जिसके रिजल्ट में क्या हो रहा है कंबाइंड
यूनिफाइड कंट्रैक्शन हो रही है, दैट इज द प्रॉपर्टी मेन फीचर ऑफ यूनिटरी स्मूथ मसल फाइबर्स या विसरल या यूनिटरी स्मूथ मसल फाइबर्स, जिसमें वो यूनिटरी है, एक कमांड मिलती है, बंडल्स और शीट्स हैं, दे आर एडहेरेंट टू ईच अदर एंड दे आर हैविंग दे आर जॉइंट टुगेदर थ्रू द गैप जंक्शंस, जिसके रिजल्ट में एक यूनिफाइड मूवमेंट हो रही है कंट्रैक्शन की। इसकी एग्जाम्पल कहाँ कहाँ हो सकती हैं जी? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में, ये हमारा यूनिटरी स्मूथ मसल, डक्ट में, यूरेटर्स में, यूट्रस में, और काफी टाइप्स हैं जो ब्लड वेसल्स की, उनके अंदर ये आपका यूनिटरी या विसरल स्मूथ मसल अपना रोल करता है, उसकी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अगली टाइप आ जाती है ये, अब यहाँ वो ये आपको मूवमेंट नजर आ रही? Yeah. क्या हुआ, ये यूनिटरी है कि मल्टी यूनिट है काम? यूनिटरी। तो ये आप देखो कि हम ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में ये रिंग बन रहा है जो कि पेरिस्टाल्स कुछ खाते हैं तो वो खाते हैं तो वो पेरिस्टाल्टिक रिंग जो बनता है वो रिंग बनता है। ऐसे ही देखो कि वो एक यूनिटरी फॉर्म में, यूनिफाइड फॉर्म में, वो एक रिंग सर्कुलर पैटर्न में स्मूथ मसल्स मूवमेंट करते हैं और पेरिस्टाल्टिक होती हैं, और ये आपका बोलस नीचे की तरफ पुश किया जाता है, मसल स्टमक में जाता है, फिर ऑब्वियसली स्टमक से ड्यूटेरियम में जाएगा, वो भी वहाँ पर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होती हैं, बाउल मूवमेंट्स होती हैं, वो भी ऐसी ही होती हैं, ऑब्वियसली स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन से फिर आगे जाके एनस में, तो ये इसी तरह एक्टिविटी आपकी इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स हो रही हैं इसके रेफरेंस। ठीक है जी, अगला आ जाता है मल्टी यूनिट, इसके ऑपोजिट होगा जी, पढ़ो इसको, कौन पढ़ेगा? Multi-unit smooth muscle is composed of discrete separate smooth muscle fibers. Each fiber operates independently of the others. Inner single nerve ending as a crease for skeletal muscle fibers. Outer surfaces of these fibers are covered by a thin layer of fine collagen and glycoprotein that helps insulate the separate fibers from one another. Control is exerted mainly by nerve signals. In contrast, a major share of control of unitary smooth muscles is exerted by non-nervous stimuli. Do not exhibit as so but can you different fibers hain jo independently kaam kar rahe hain, ya apne apne groups bane hue hain, apna apna wo operate kar rahe hain depending on requirement, wahan pe function hai, requirement hai, jiski wajah se wo different patches mein movement ho rahe hain. Jaise for example heart ke andar atria alada kaam karta hai, ventricular alada kaam karta hai. Theek hai, एट्रिया की कंट्रैक्शन पहले होती है, वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन बाद में होती है, एट्रियल रिलैक्सेशन पहले होती है, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन बाद में होती है. तो जब हम इंशाल्लाह हार्ट पढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगा उधर कैसे वो रोल प्ले कर, लेकिन मल्टी यूनिट सिस्टम में मेन यही है कि वो डिफरेंट में डिफरेंट एंडिंग्स होती हैं, एक नर्व उसको फॉलो नहीं कर रहा. इसकी एग्जाम्पल्स जो हैं लार्ज एयर वेज टू लंग्स, लार्जर आर्टरीज, इंटरनल आई मसल्स, सिरमल्स ऑफ आई, आयरिस मसल्स ऑफ आई, pyloractal muscles that cause erection of the hairs. ठीक है, ये इसकी एग्जाम्पल आती हैं जो मल्टी यूनिट्स की. ठीक है, ये आप एग्जाम्पल देख सकते हैं यूनिटरी और मल्टी यूनिट. जी कोई नाम लें भाई. सर जी, सर ये सिंगल नर्व से इनर्वेट क्यों होते हैं मल्टी यूनिट? मल्टी यूनिट सिंगल नर्व से इनर्वेटेड बाय सिंगल नर्व एज अ कस फॉर, इसमें देखो ना अभी बात है कि इसमें एक नर्व आपका ऑटोनॉमिक है, ऑटोनॉमिक सिस्टम आपके आई के अंदर आपके जो फेशियल नर्व है, ऑक्युलर नर्व्स हैं, वो अपना रोल प्ले कर रही हैं. आई के अंदर आप देखो एक नर्व है, ढेर सारी नर्व नहीं है जो कि आपकी आई की मूवमेंट्स करवा रही हैं, एक ही नर्व है जो कि इनर्वेट कर रही है. तो इसको बस आपने याद रखना है कि एक सिंगल नर्व एंडिंग कर रही काम एज स्केलेटल मसल्स, जिसकी वजह से मल्टी डायरेक्शनल काम हो रहे हैं, इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, हर किसी के मसल फाइबर की अपनी अपनी मर्जी, कोई कंट्रैक्ट कर रहा है, कोई रिलैक्स कर रहा है, मल्टी यूनिट टास्किंग है. जी आपका क्या नाम है बेटा? मीरब. मीरब चलो मुझे बताओ अभी जो स्मूथ मसल में हमने क्या आप लोगों को लर्निंग हुई है अभी तक? इजी लग रहा है ना, शेल तो नहीं है? यस सर. सर हमने पहले डिफरेंस पढ़े हैं उनके स्मूथ और स्केलेटल के. टीट्यूबुल्स एब्सेंट होती हैं इसके अंदर, मॉडुलिन प्रोटीन होती है और इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है और मतलब यूनिटरी इसमें होता है और मल्टी यूनिट सिस्टम होता है. ठीक है, तो अब ये देखा जाए अगर डिफरेंस देखे जाएं तो इसमें कुछ डिफरेंसेस आ रहे हैं जो कि एक तो फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्मूथ मसल्स एंड स्केलेटल मसल, इनका डिफरेंसेस है, एक्साइटेशन कपलिंग का डिफरेंस है, वहां पर डिफरेंट था,
कंट्रैक्टाइल प्रोसेस का कैल्शियम का रोल है वो डिफरेंट है, ड्यूरेशन ऑफ कंट्रैक्शन ज्यादा डिफरेंट है, एमोटेनल एनर्जी डिफरेंट है. तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि इसमें एस्पेक्ट से हम देखेंगे. अब यहां पर चीज होती है दैट इज अ स्लो साइक्लिंग ऑफ मायोसिन. मैंने आपको बताया था मेन गोल हमारा क्या है, मेन गोल है लॉन्गर ड्यूरेशन की कंट्रैक्शन चाहिए, लॉन्गर ड्यूरेशन कंट्रैक्शन चाहिए, ज्यादा फोर्सफुल कंट्रैक्शन चाहिए और कम एटीपी यूज हो. ये मेन गोल है हमारा स्मूथ मसल्स के अंदर. तो उसमें स्लो साइक्लिंग ऑफ मायोसिन क्रॉस ब्रिजेस जो है दैट इज द इंपॉर्टेंट स्टेप जिसकी वजह से लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ कंट्रैक्शन होती है. पहले वहां पर क्या हो रहा था स्केलेटल मसल में, मायोसिन का हेड लगता था, अटैचमेंट होती थी, पावर स्ट्रोक होता था, पुल होता था, सडनली एक और एटीपी आता था, डिटैच हो गया, काम खत्म, कंट्रैक्शन खत्म. इसमें क्या किया, उस सारी जो स्टोरी है वो फिल्म को बहुत ही स्लो कर दिया, ठीक है, उसको स्लो मोशन में चला, स्लो मो में चलेगी अभी सारी स्टोरी, जो कि एक्चुअली चलेगी, सिर्फ आपको बताने के लिए बता रहा हूं कि ये अब स्लो मो में चलने लगी है. जी पढ़ें सिर्फ. जी कौन पढ़ेगा? सीआर जी आर सोए नहीं सर, आमना आमना मुजफ्फर सर. जी आर तो आज सो रही है. आमना मुजफ्फर नो सर. सर मैं पढूं? आप कौन हो? आमना मुजफ्फर हूँ सर. हुरेश चलो आप पढ़ लो भाई. Slow cycling of myosin cross bridges, the rapidity of cycling of myosin cross bridges in smooth muscle, their attachment to actin, their attachment for next is much slower than muscles. In fact, the frequency as is as over 10th to 1 over 100th that in skeleton. Fraction of time that cross bridges remain attached to actin filaments, which is a major factor that determines the force of contraction, is believed to be greatly increased in smooth muscles. A possible reason for slow cycling is that cross bridge head has far less ATPase activity than in skeletal muscle, and the degradation of ATP that energizes the movement of cross bridge's head is greatly reduced, with corresponding slowing rate of cycling. So, अब इसमें क्या समझ आया आपको हरीश? क्या हमारे गोल्स अचीव हो रहे हैं? जो स्मूथ मसल्स में हमने गोल्स रखे थे क्या वो अचीव हो रहे हैं? सर इसमें ये बताया है कि उनकी जो कॉन्ट्रैक्शन का रेट है वो स्लोअर है एज कम्पेयर टू स्केलेटल मसल्स. और स्लोअर कॉन्ट्रैक्शन रेट है, स्लोअर साइक्लिंग है, जिसकी वजह से अटैचमेंट होती है, अटैचमेंट होने में रिटैचमेंट होने में टाइम लगता है. तो इट मींस के स्लो अटैचमेंट, डिटैचमेंट का प्रोसेस स्लो, इट मींस के जो मायोसिन और एक्टिन की जो अटैचमेंट है वो ज्यादा देर के लिए होगी, कह सकता हूं? जी कह सकता हूं? यस सर. यस सर. अटैचमेंट और डिटैचमेंट में टाइम ज्यादा लग रहा है, डिटैचमेंट में टाइम ज्यादा लग रहा है, इट मींस के मायोसिन कंटिन्यूज टू गेट अटैच्ड विद द एक्टिन फिलामेंट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन एज कंपेयर टू स्केलेटल मसल. लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए अटैचमेंट होगी तो उसके लिए फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन भी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, ज्यादा देर के लिए कंट्रैक्टेड रहेगा, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी. सो हमारा एक टारगेट अचीव हो गया कि फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन हमें प्रोलॉन्ग हो गई, ज्यादा एनहांस्ड हो गई एज कंपेयर टू स्केलेटल मसल. और दूसरा एक और फैक्टर, ये जो स्लो साइकिलिंग हो रही है इसकी वजह रीजन क्या है कि लेस एटीपीएस एक्टिविटी एज कंपेयर टू स्केलेटल मसल, क्योंकि हमें यहाँ पर एटीपी से लॉन्गर ड्यूरेशन हमें मिल रही हैं और कम एटीपी यूज हो रही है. तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है लैच ब्रिज मैकेनिज्म की, जो कि स्मूथ मसल्स की प्रॉपर्टी है. लैच ब्रिज मैकेनिज्म इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्मूथ मसल्स ओनली. इसमें क्या हो रहा है, प्रोलॉन्ग टोनिक कंट्रैक्शंस डेवलप हो रही हैं विद लिटिल यूज ऑफ एनर्जी. दैट्स द मेन थिंग, दैट्स द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ लैच ब्रिज मैकेनिज्म. जी आगे स्ट्रेस रिलैक्सेशन. ये क्या है स्ट्रेस रिलैक्सेशन? ये भी एक प्रॉपर्टी है स्मूथ मसल की, स्ट्रेस रिलैक्सेशन की प्रॉपर्टी है. इसमें
चलो इसकी एग्जांपल इस तरह देते हैं, मैं यूजुअली इस तरह एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप कॉलेज में हैं और कॉलेज में सडनली आपको हुआ कि जी आपको अर्ज हुई यूरिनेशन, आपको कहा कि यू वॉशरूम, आई शुड यूज अ वॉशरूम, लेकिन आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा आफ्टर 5 to 10 minutes वो आपकी जो अर्ज है यूरिनेशन की वो खत्म हो गई, आपका ध्यान कहीं और लग गया, ठीक है, आप भूल जाते हो कि मैंने वॉशरूम भी जाना था, फिर सडनली आधे घंटे बाद दोबारा अर्ज होती है और बड़ी स्ट्रांग अर्ज होती है कि जी मुझे बहुत जरूरी है, मैंने भाग भाग के पहुंचूं मैं जी वॉशरूम, ठीक है, फिर क्या 5 to 10 minutes गुजार लिए, किसी ने गुजार लिए तो वो और काम उसका डिस्ट्रैक्शन होगी, लेकिन अगर नहीं हुआ तो वॉशरूम चले गए, लेकिन ये क्या मैकेनिज्म चल रहा है कि जी आपको शुरू में इनिशिएट उसकी अर्ज होती है यूरिनेशन की, सडनली फिर 10 मिनट बाद वो खत्म हो जाती है, ये जो प्रॉपर्टी है ये सारी ब्लैडर में गेम चल रही है और ब्लैडर में जो काम हो रहा है ये आपकी स्ट्रेस रिलैक्सेशन की प्रॉपर्टी है जो कि रूल कर रही है इस चीज को। इनिशियली आपका ब्लैडर है और ब्लैडर में यूरिन भर गया, किडनी से यूरिन बन के आ रहा है और ब्लैडर में एम्प्टी हो रहा है, ब्लैडर आधा भर गया, ब्लैडर जैसे आधा भर गया तो अंदर फ्लूइड आ गया, फ्लूइड की वजह से ब्लैडर की वॉल्स पे फोर्स शुरू हो गई, फोर्स लगनी शुरू हो गई तो वहां पर उसको एक सिग्नल जाएगा स्पेशलाइज्ड नर्व्स के जी अब ब्लैडर भर गया, यूरिनेशन की रिक्वायरमेंट है, लेकिन नेचर ने क्या किया वहां पर जब उस पर स्ट्रेस पड़ता है ब्लैडर की वॉल पे तो उन्हें वहां प्रॉपर्टी थी कि उन्हें अपना एक थ्रेशोल्ड मेंटेन करनी है, मतलब उस वॉल की कैपेसिटी है कि उस इतने फोर्स जो है, इतने जो फोर्स है, इतने जाउल्स की जो पावर है या फोर्स है वो उतनी वो सह सकती है, ठीक है, जैसे ही उस प्रेशर बढ़ेगा उसकी लिमिट बढ़ गई तो वो अपने आप को क्या करेगी, वॉल रिलैक्स कर देगी, जब चैम्बर रिलैक्स हो जाएगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, ब्लैडर का साइज, इंटरनल साइज बढ़ गया, वैक्यूम बढ़ गया, ये वैल्यू कम होगी एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द ब्लैडर, जिसकी वजह से जो उसको स्टिमुलेशन हो रही थी, यूरिनेशन की अर्ज हो रही थी वो खत्म हो गई, फिर क्या हुआ दोबारा यूरिन भरा, फिर दोबारा आधा ब्लैडर भर गया, एज कम्पेयर टू दैट रिलैक्स स्टेट अगेन उसने स्टिमुलेट करना शुरू, फोर्स लगानी शुरू की अगेंस्ट द वॉल ऑफ द ब्लैडर, जिसके रिजल्ट में अगेन हमें पहुंचे और हमें कहा जी हमें यूरिनेशन रिक्वायर्ड है, हमने जाना है वॉशरूम, लेकिन फिर क्या हुआ अगेन वॉल ने अपने आप को रिलैक्स कर दिया, उस पर स्ट्रेस जैसे ही पड़ रहा है वो अपने को रिलैक्स कर रही है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है उसके अंदर ब्लैडर के अंदर, ठीक है, तो फिर वो अल्टीमेटली यूरिन ब्लैडर का साइज बढ़ता जा रहा है लेकिन इतना भी नहीं होता कि ब्लैडर बहुत ज्यादा भर जाए, एक लेवल होती है उसकी, तो फिर अल्टीमेटली क्या हुआ दिस प्रॉपर्टी स्ट्रेस रिलैक्सेशन, जब उस पर स्ट्रेस पड़ता है मसल्स के ऊपर तो वो अपने आपको रिलैक्स करते हैं, दिस इज स्ट्रेस रिलैक्सेशन प्रॉपर्टी, और अल्टीमेटली जब आप यूरिनेशन कर देते हैं हो जाती है यूरिनेशन हो जाती है, आपने वॉशरूम का चक्कर लगा लिया, फिर सडनली क्या हुआ आप उस कंपैरिजन में देखो कि यूरिन ब्लैडर में यूरिन लेवल कितने हैं और उसकी रिलैक्सेशन कितनी हुई, तो अब क्या होना चाहिए कॉमन सेंस, ब्लैडर का साइज उतना ही रहेगा कि छोटा हो जाएगा, जी छोटा हो जाएगा, वापस अपने आप को मेंटेन कर देगा, दैट इज कॉल्ड एज रिवर्स स्ट्रेस रिलैक्सेशन, सो ये प्रॉपर्टी स्ट्रेस रिलैक्सेशन और रिवर्स स्ट्रेस रिलैक्सेशन की प्रॉपर्टी ये प्रॉमिनेंटली देखी जाती है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर और ब्लड वेसल्स के अंदर, ठीक है, हम ब्लड वेसल्स भी जब करेंगे तभी मैं आपको बताऊंगा स्ट्रेस रिलैक्सेशन की प्रॉपर्टी वहां देखी जाती है, जी वहां रीड कर दो जवाहर आप ही पढ़ दो, स्ट्रेस रिलैक्सेशन स्पेशली द विसेरल जेनेटिक टाइप ऑफ स्मूथ मसल ऑफ मेनी होलो ऑर्गन हैज एबिलिटी टू रिटर्न टू एयरली इट्स ओरिजिनल फोर्स ऑफ contraction seconds or minutes after it has been elongated or shortened. A sudden increase in fluid volume of urinary bladder produces stretching of the wall, smooth muscle, which results in increased pressure. But after next 15 seconds to a minute, the pressure turns back to its normal despite continued stretch. Then the volume is increased by another step. The same effect occurs again. आगे. Reverse stress relaxation. Conversely, when the volume is suddenly decreased, the pressure falls drastically at first, but then rises in another few seconds or minutes to or near to the original level. When the volume is suddenly decreased, the pressure falls very low at first, but then rises back on another few seconds to original value. Except for the short period, they allow a hollow organ to maintain about the same amount of pressure inside its lumen despite sustained large change in volume. So, aap logon ko ab yaad ho gaya stress relaxation aur reverse stress relaxation ki property pata lag gayi hai. Clear? Sabko?
रिवर्स वाले में वही है, देखो आपने जब वॉइडिंग कर दिया, यूरिन खत्म हो गया, एम्प्टी हो गया ब्लैडर में, तो ऑब्वियसली उस वॉल्यूम के अगेंस्ट प्रेशर एग्जर्ट हो रहा था ऑन द वॉल, वो कम हो गया, और जो वॉल है उसकी थ्रेशहोल्ड है, ब्लैडर वॉल की थ्रेशहोल्ड है, वो उतना थ्रेशहोल्ड मेंटेन करती है, उससे अगर बढ़ाओगे तो अपने आपको रिलैक्स करेगी, उससे अगर कम करो तो अपने आपको कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी। तो जब क्या हुआ, वॉइडिंग हो गई, यूरिन खत्म हो गया, तो उसमें क्या हुआ फिर वहां पर जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा था ऑन द वॉल वो रिड्यूस हो गया, कम हो गया, तो वो रिड्यूस हो गया वॉल अपने आपको रिवर्स स्ट्रेस रिलैक्सेशन की प्रॉपर्टी से वापस कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी और वो दोबारा अपना वो प्रेशर मेंटेन करेगी ऑन द वॉल जो कि उसका थ्रेशहोल्ड प्रेशर है। सर ये रेड वाली लाइंस को भी एक्सप्लेन, एक्सेप्ट फॉर शॉर्ट पीरियड्स दे अलाउ अ हॉलो ऑर्गन टू मेंटेन अबाउट द सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर इनसाइड इट्स ल्यूमेन सस्टेन्ड लार्ज वॉल्यूम्स। जिस तरह लो वॉल्यूम्स के लिए प्रेशर मेंटेन होता है हॉलो ऑर्गन में, लार्ज वॉल्यूम्स के लिए भी वो मेंटेन हो रहा है। सिंपल सी बात है, मैंने ये जो भी समझाया, प्रेशर जो है अंदर, वॉल्यूम जो है वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है ऑन द वॉल, जिस तरह हमारी ब्लड वेसल्स हैं। अब ब्लड वेसल्स मुझे बताओगे, एक बंदा है जिसको नॉर्मल ब्लड प्रेशर, एक का हाइपर टेंशन है, दोनों में अंदर वॉल्यूम जो होगा, जो अंदर डायमीटर होगा वेसल का, दोनों का सेम होगा या चेंज होगा? एक बंदा नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, एक बंदे का हाई ब्लड प्रेशर है, तो हाइपर टेंशन जो होगा, जिसको ब्लड प्रेशर हाई हुआ, उसको कंपनसेट करने के लिए जो वॉल्यूम होगा अंदर डायमीटर, वो डिक्रीज हो जाएगा कि इंक्रीज हो जाएगा? इंक्रीज होगा, कॉमन सेंस जो मैंने अभी वॉल्यूम। और अगर सडनली वो ब्लड बंदा जो है जिसका हाइपर टेंशन हुआ, सडनली उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया, तो अब उसकी जो स्टेट होगी ब्लड वेसल की, क्या वो डायमीटर डिक्रीज वाली स्टेट रहेगी कि वापस रिवर्ट करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल स्टेट? ये आपको समझाना था, समझ आ गया, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। ठीक है जी, उसके बाद मेम्ब्रेन पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल है, ये इसमें जो यूनिवर्सिटी क्वेश्चन में आज तक इस दफा आया नहीं, कभी भी नहीं आया कोई, लेकिन सिर्फ आपको ड्रॉ करने के लिए या थोड़ी सी ओरिएंटेशन के लिए मैंने यहाँ पे रखी स्लाइड्स, क्योंकि इसका जो स्मूथ मसल का एक्शन पोटेंशियल है वो प्रोमिनेंटली हम हार्ट के अंदर, वेंट्रिकुलर मसल के अंदर और पेसमेकर पोटेंशियल के रेफरेंस से देखेंगे मेनली। ठीक है, क्योंकि स्मूथ मसल्स हैं, वो वाले क्वेश्चंस यूक्यू आते हैं, लेकिन ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि जो हमारे गट में, जो हमारी इंटेस्टाइन में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स हो रही हैं, उसकी क्या बेसिस हैं, कैसे स्पाइक पोटेंशियल रोल प्ले करते हैं, उसके लिए थोड़ा सा ये है कि अराउंड रेस्टिंग पोटेंशियल -50 to -60 मिलीवोल्ट्स, अबाउट 30 मिलीवोल्ट्स लेस नेगेटिव देन द स्केलेटल मसल। अब आप देखो, अब कंपैरिजन स्केलेटल और स्मूथ मसल का कितने बना सकते हो? मुझे याद पड़ता है मैंने कोई 55-60 कंपैरिजंस बनाए अपने टाइम पर, आप बना सकते हो इतने स्ट्रक्चरली फंक्शनली? हाँ बना सकते हो, टिपिकली बनाओ, बस आप स्ट्रक्चर देखो, मेरी बात सुनो, एनाटॉमी स्ट्रक्चर के बनाओ और फंक्शन के, एक्साइटेशन कंट्रैक्शन के 10, ये 20 बना रख लो बस, इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। 30 मिलीवोल्ट्स लेस नेगेटिव देन द स्केलेटल मसल, ठीक है, इसका आरएमपी अगर देखा जाए तो वो 30 मिलीवोल्ट्स लेस होता है एज कम्पेयर टू, इसमें स्पाइक पोटेंशियल्स होते हैं, एक्शन पोटेंशियल्स विद प्लेटू भी डेवलप होते हैं। ठीक है, इसमें जो चीजें याद करने वाली, ये एक ग्राफ है, ये स्लो वेव्स होती हैं, स्लो वेव्स मौजूद होती हैं, जैसे इसको ट्रिगर मिलता है तो वो ट्रिगर से स्पाइक पोटेंशियल्स बनते हैं। अरे गट में ट्रिगर क्या होगा, कॉमन सेंस? जी फूड, आपका फूड होगा कि जो स्ट्रेच है, मैकेनिकल स्ट्रेच है, इस अलावा आपके कुछ सिक्रेशंस हो सकती हैं, वो अपना रोल प्ले कर सकती हैं। ठीक है, वो आपके डिफरेंट ये चीजें क्रिएट करती हैं। सो इसको एक दफा रीड कर दें प्लीज। Slow wave potentials in unitary smooth muscle and spontaneous generation of action potential. Smooth, some smooth muscle is self-excitatory. And that is action potential arise within the smooth muscle cells without an extrinsic stimulus. This often
is associated with a basic slow wave rhythm of the membrane potential. The slow wave itself is not the action potential. That is, it is not a self-regenerative process that spreads progressively over the membrane of the muscle fibers. Instead, it is a local property of the smooth muscle fibers that make up the muscle mass. ठीक है जी, तो ये बेसिक तीन चीजें हैं जो कि स्लो वेव रिदम्स होती हैं और सडनली स्पाइक्स में कन्वर्ट हो जाती हैं और वो आपके ये स्पाइक पोटेंशियल्स क्रिएट होते हैं. अच्छा जी, आप जो क्वेश्चन आप दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिस तरह मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ स्केलेटल मसल कंट्रैक्शन इंपॉर्टेंट था, इसी तरह ये मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ स्मूथ मसल कंट्रैक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमने लेना है, इसको मैं ही बताता हूँ. मसल कंट्रैक्शन के दो तीन पैरामीटर्स जो यहाँ पे चल रहे हैं, कंट्रैक्शन फॉर लॉन्गर पीरियड, लेस एनर्जी रिक्वायर्ड, मोर फोर्स ऑफ मसल कंट्रैक्शन, सोर्स कैल्शियम का एक्सेसरल फ्लूइड है, स्लो ऑनसेट हो रही है, स्लो रिलैक्सेशन हो रही है जिसकी वजह से लॉन्ग कंट्रैक्शन हो रही है, एंड ऑल्सो शोज स्ट्रेस रिलैक्सेशन प्रॉपर्टी. ये मसल कंट्रैक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि यहाँ पर मैंशन की गई हैं. कंट्रैक्शन फॉर लॉन्गर पीरियड, लेस एनर्जी रिक्वायर्ड, मोर फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन, सोर्स ऑफ कैल्शियम इज एक्सेसरल फ्लूइड, स्लो ऑनसेट ऑफ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. इट मीन्स के प्रोलॉन्ग्ड कंट्रैक्शन पीरियड एंड इट शोज स्ट्रेस रिलैक्सेशन प्रॉपर्टी. अच्छा जी, अब यहाँ पर अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, जिस तरह हमने पहले समझा था एनएमजे के अंदर बात की थी, एसएलकोलिन रिलीज हो रही है, इट बाइंड्स टू मस्कारिनिक रिसेप्टर्स. यहाँ पर हमारे स्मूथ मसल्स में मस्कारिन, दो तरह के रिसेप्टर्स होते हैं जो कि हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम डील कर रहा है. मस्कारिनिक रिसेप्टर्स होते हैं और निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं, जो कि डिटेल्स आपको नहीं जानने अभी, ठीक है, ये आप लोग फार्माकोलॉजी में जब ऊपर जाएंगे तो इंशाल्लाह वहाँ पे करेंगे. मस्कारिनिक रिसेप्टर्स होते हैं और निकोटिनिक है. सिर्फ आपने यहाँ पर याद करने का यही है कि एसएलकोलिन बाइंड्स विद मस्कारिनिक रिसेप्टर्स, जिसके रिजल्ट में जब मस्कारिनिक रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है उसको कैल्शियम का इन्फ्लक्स इनिशिएट हो जाता है. कहाँ सोर्स क्या है, सारकोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्या है सोर्स, क्या है कैल्शियम की, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड. कौन मीडिएट कर रहा है, कौन हेल्प कर रहा है, कैविला हेल्प कर रहा है, ठीक है. कैल्शियम का इन्फ्लक्स हुआ, कैविला ने हेल्प किया, एक्सेसरल फ्लूइड से हुआ, कैल्शियम आके मॉडर्न के साथ बाइंड कर गई. वहां पर कैल्शियम किसके साथ कर रही थी, ट्रोपोरिन सी के साथ कर रही थी. यहाँ पर कैल मॉडर्न के साथ बाइंड किया, कैल मॉडर्न के साथ जैसे ही बाइंड करेगी तो वहां पर एक एक्टिवेट करेगी सिस्टम, मायोसिन काइनेज एंजाइम सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल, रेट लिमिटिंग स्टेप है मायोसिन काइनेज एंजाइम सिस्टम. कैल्शियम ने कैल मॉडर्न के साथ बाइंड करना है, कैल्शियम कैल मॉडर्न की बाइंडिंग हुई जिसके रिजल्ट में मायोसिन काइनेज एंजाइम सिस्टम एक्टिवेट होगा. जब भी मायोसिन काइनेज एंजाइम सिस्टम एक्टिवेट होगा तो वो फॉस्फोरिलेशन ऑफ मायोसिन हेड को इनिशिएट कर देगा. फॉस्फोरिलेशन होगी, मायोसिन एटीपीएज एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, जिसके रिजल्ट में कंट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल हो जाएगी. ये हैं जो कि आपके मॉलिकुलर मैकेनिज्म्स या इवेंट्स ऑफ कंट्रैक्शन इन स्मूथ मसल आते हैं. एसएलकोलिन बाइंड्स विद मस्कारिनिक रिसेप्टर्स, जिसके रिजल्ट में कैल्शियम इन्फ्लक्स होगा, कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा तो कैल्शियम कैल मॉडर्न के साथ बाइंड कर जाएगा, कैल्शियम कैल मॉडर्न कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट करेगा मायोसिन काइनेज एंजाइम सिस्टम. मैं अगेन कहूंगा मायोसिन काइनेज एंजाइम सिस्टम फॉर कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल एक्टिवेट हो जाएगा, जिसके रिजल्ट में फॉस्फोरिलेशन ऑफ मायोसिन हेड होगी, इंक्रीज एटीपीएज एक्टिविटी हो जाएगी और आपकी कंट्रैक्शन हो जाएगी. ये आप देख सकते हैं, ये ग्राम है जो कि आई थिंक गाइडलाइन में नहीं थी, लेकिन ये आपका है कैल्शियम है. कैल्शियम किस साथ बाइंड कर रही है, क्या है, कैल मॉडुलिन है, और कैल मॉडुलिन फिर किस चीज को एक्टिवेट कर रहा है, व्हाट इज दिस, मायोसिन लाइट चेन काइनेज, ठीक है, जिस रिजल्ट में क्या हो रहा है, इनएक्टिवेटेड जो मायोसिन थी उसकी फॉस्फोरिलेशन स्टार्ट हो गई है और और उसके वजह से एटीपीएज एक्टिविटी ज्यादा हो गई और उसके वजह से मायोसिन कंट्रैक्शन हो रही है. जी अब ये क्या हो रही, मसल रिलैक्सेशन, इसमें मुझे बताओ, पिक करके बताओ क्या हो रहा है. शाबाश, देखता हूं कौन बताता है, हु इज द जीनियस वन, क्या डिफरेंस है कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में, कैल्शियम बाहर जा रहे हैं और सोडियम अंदर आ रहा है, वेरी गुड. मायोसिन फॉस्फेटेज डिफरेंस, मायोसिन काइनेज जिस तरह कंट्रैक्शन करवा रहा था, मायोसिन फॉस्फेटेज रिलैक्सेशन करवाता है. ये याद रखनी है बात आपने, मायोसिन काइनेज जिस तरह स्मूथ मसल की कंट्रैक्शन करवा रहा था, एक और एंजाइम सिस्टम मौजूद है जिसका काम है कि रिलैक्सेशन ऑफ द स्मूथ मसल कराई जाए, उसका नाम है मायोसिन फॉस्फेटेज.
ठीक है, मायोसिन फॉस्फेटेज जो सारा कुछ हुआ हुआ था उसको रिवर्स लेके जाएगा, जो फॉस्फोरिलेशन हुई हुई थी उसकी डी फॉस्फोरिलेशन करवाएगा या फॉस्फोरिलेशन को इनहिबिट करेगा, डिक्रीज करवाएगा, कैल्शियम कैलमोडुलिन की बाइंडिंग को खत्म करेगा, कैल्शियम को वापस भेज देगा, कैलमोडुलिन वापस अकेली हो जाएगी, तो जिसके रिजल्ट में क्या हो रहा है, वापस सारा रिवर्स फिनोमेना है जिसकी वजह से रिलैक्सेशन ऑफ द स्मूथ मसल हो रही है। तो दो बातें याद रखना, मायोसिन काइनेज सिस्टम या और मायोसिन फॉस्फेटेज सिस्टम। मायोसिन काइनेज सिस्टम डील्स विद द कंट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल, मायोसिन फॉस्फेटेज डील्स विद द रिलैक्सेशन ऑफ द स्मूथ मसल। क्लियर एवरीवन? ये मायोसिन फॉस्फेटेज बाहर निकालती है कैल्शियम को। मायोसिन फॉस्फेटेज बेसिकली रोल प्ले कर रही है डी फॉस्फोरिलेशन का। हां जी ठीक है। डी फॉस्फोरिलेशन जब होना शुरू हो जाएगी तो ऑब्वियसली जो स्टिमुलेशन है मायोसिन काइनेज सिस्टम को भी इनहिबिट किया जाएगा, जो भी चीजें फॉस्फोरिलेशन को हेल्प कर रही थी मायोसिन काइनेज सिस्टम को इनहिबिट किया जाएगा, उसको सप्रेस करेगा। जब वो सप्रेस होगा तो ऑब्वियसली रिवर्स में कैलमोडुलिन की जो बाइंडिंग है उसको भी रोक दिया जाएगा, क्योंकि मैसेज दे दिया जाएगा कि जी अब कंट्रैक्शन रिक्वायर्ड नहीं है, अब तो रिलैक्सेशन करवानी है, इसलिए कैल्शियम कैलमोडुलिन को क्यों उसमें डाला जाए, तो उसकी रिलैक्सेशन होगी, कैल्शियम वापस मूव कर जाएगी। ये एक दफा पढ़ दो भाई सारा स्टेप्स, कौन पढ़ेगा? बाइंडिंग ऑफ एसिटाइलकोलीन टू मेथियोनेक्स। जवार जवार आज सबर कर ले भाई, तूने तो मुझे लगता है टॉप कर जाना है सारा कुछ, तू बोली जा रहा है सर, आपने सर मुझे बोला नहीं, तुमने बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है, सबर करो, ये जो कुछ हमें हमारे हीरे छुपे हुए हैं, हीरे हीरे कौन है जी, ये तलहा किधर गया आज, वेर इज तलहा? जी सर। तलहा ठीक हो? जी सर, दुआएं आपकी। लेक्चर समझ आ रहा है? जी सर, कोशिश तो कर रहा हूँ, बस आ ही रहा है थोड़ा बहुत। चलो मॉलिकुलर इवेंट्स ऑफ स्मूथ मसल कंट्रैक्शन बताओ, शाबाश। क्या बात है, फिजियोलॉजी अच्छी नहीं लगती? सर लगती है लेकिन इतनी जल्दी नहीं सर, कल बता दूंगा। अच्छा टाइम लगेगा अभी? जी सर। अच्छा जी, चलो कोई और, जी सर कोई और भाई, कोई नया नाम दो। सर मैं बताऊं, ये आरेज कहाँ है आज? आरेज सर इधर हूँ, इधर ही हूँ सर। चलो बताओ शाबाश, आरेज को बताओ। सर सामने ही लिखा हुआ है। सर सबसे पहले जो है एसिटाइलकोलीन के, आप एसिटाइलकोलीन बाइंड्स नहीं, अकल अगर तलहा में होती तो क्या ही बात ही है ना। सर एसिटाइलकोलीन जो है सर वो बाइंड करता है मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स के ऊपर सबसे पहले, उसकी वजह से सर देयर इज द इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयंस इनटू द सेल, and then sir calmodulin hai wo like calmodulin ke sath bind kar jata hai, jo ki like calmodulin dependent myosin like basically activate karta hai wo aapka myosin usko myosin light chain kinase, myosin kinase ko activate karta hai calmodulin dependent jo calmodulin and calcium bind karta hai aapas mein sir, jo ki activate karta hai myosin kinase ko, uski wajah se phosphorylation of myosin hota hai and increase myosin ATPase activity and binding of myosin to actin, jiska cell contraction hoti hai, and dephosphorylation of myosin by myosin light chain phosphatase. So basically relaxation ke andar hamare paas myosin phosphatase jo hai wo like ek major role play karti hai, jo ki dephosphorylation karti hai, relaxation or sustained contraction due to the latch bridge mechanism. Ji Harman. Yes, sir. जी अभी कंपैरिजन आ रहा है, देखें क्या है, जरा स्मूथ और स्केलेटल मसल का कंपैरिजन किया जा रहा है इसमें कंट्रैक्शन का, दोनों को जरा मुझे बता दो अपने नॉलेज से, ये भी तो सामने लगा ही हुआ है, स्केलेटल मसल की कंट्रैक्शन का मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म क्या था शाबाश, और स्मूथ मसल का क्या था शाबाश, आपको आता है शाबाश बोलो। सबसे पहले इधर स्मूथ मसल्स में हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से कैल्शियम आ रहा है, और इसमें से स्केलेटल मसल में हमारे पास जब एक्टिवेशन होती है और एक्शन पोटेंशियल आता है तो सारकोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज होता है। um,
उसके बाद स्मूथ मसल्स में हमारे पास एक्टिवेशन के जब कैल्शियम कैलमोडुलिन के साथ जुड़ता है तो उसमें जो पूरा मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म आया कि उसमें फॉस्फोराइलेशन मायोसिन डाइजेन काइनेज सिस्टम की फॉस्फोराइलेशन होती है, उसकी एक्टिवेशन होती है, एक्टिवेशन होती है जिससे फिर फॉस्फोराइलेशन होती है मायोसिन की और उसकी उसके क्रॉस ब्रिजेस के हेड्स की जो अटैचमेंट है विद द एक्टिन फिलामेंट्स दैट इज इंक्रीज्ड और सस्टेन्ड प्रोलॉन्ग्ड कॉन्ट्रैक्शन का रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड इन द स्मूथ मसल्स. ठीक है, ये अब आपने स्मूथ मसल बताया अभी और स्केलेटल मसल्स में होती है केस फॉर एग्जांपल. होल्ड ऑन होल्ड ऑन, दूसरा किसका था लास्ट टाइम थी वो मेरे ख्याल है खदीजा अजीम. खदीजा अजीम या वो था हंजला था पोजीशन लास्ट टाइम. किसकी पोजीशन थी सर? मेरी सेकंड थी. चलो सेकंड बेटा, चलो बताओ कौन आप? सर खदीजा. चलो अब ये स्केलेटल मसल की कंट्रैक्शन ही बताओ कैसे होती है. शाबाश, मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म जल्दी से. इसको ना देखो ये तो बहुत छोटा सा लिखा हुआ है. सर खाली मसल कंट्रैक्शन का पार्ट ACH वाला टी टेबल से शुरू करना है. या ऐसा करो मेरी बात सुनो, NMJ से स्टार्ट करो. शाबाश, सारा ले आओ, देखते हैं कहां तक आता तुम्हें. NMJ से स्टार्ट करो. पहले एक्सीडेंशियल अराइव करता है जब एक्सॉन टर्मिनल में, तो वो डेंस बार को हिट करता है जिसकी वजह से फिर डेंस बार मैसेज फॉर अराइवल ऑफ एक्शन पोटेंशियल ट्रांसफर करता है टू कैल्शियम गेटेड चैनल्स. वो ओपन होते हैं और इस जो कैल्शियम आयंस हैं वो एक्सॉन टर्मिनल के अंदर आते हैं. फिर उसके बाद जो एसिटाइल कोलीन जो है जो बाउंड होता है साइटोस्केलेटन के साथ साइनेप्सिन जो प्रोटीन्स होती हैं वो रिलीज होता है तो एक्टिव जोन में जाता है. एक्टिव जोन से फिर वो न्यूरल मेम्ब्रेन के साथ यूज होके बाद में साइनेप्टिक लेफ्ट में आ जाता है. और फिर जो ACH है जो उसके रिसेप्टर्स होते हैं सब न्यूरल क्लेफ्ट्स के अंदर जो मसल फाइबर है वहां पे जाके बाइंड करते हैं जो अल्फा प्रोटीन टैबलेट्स होती हैं उसकी एसिटाइलकोलीन रिसेप्टर्स. वहां पे जब बाइंडिंग होती है ACH की तो एसिटाइलकोलीन रिसेप्टर एक्टिवेटेड चैनल्स होते हैं कैटायनिक चैनल्स. उनमें से प्राइमरीली सोडियम आयन है वो एंटर करते हैं क्योंकि नेगेटिवली चार्ज होते हैं तो ये फेवर उसी को करते हैं कि सोडियम एंटर उनका इनफ्लक्स हो. उस से एक लोकल डीपोलराइजेशन होती है जिसको एंड प्लेट पोटेंशियल कहते हैं. चलो बस होल्ड ऑन एंड प्लेट पोटेंशियल हो गया. नेक्स्ट और कौन था? हरमैन अंजला था. कौन था पोजीशन? आई डोंट रिमेंबर. और कौन था भाई? ले आप लोगों को याद नहीं? अंजला था. अंजला किधर है? आओ ना मैदान में. चलो बताओ आगे. yes, sir. आगे बताओ सर. वो पोटेंशियल एंड प्लेट पोटेंशियल फॉर्म होगी तो उसकी वजह से जो इंपल्स है वो टी ट्यूबुल्स में मूव करेगी. टी ट्यूबुल्स में वो जो DH और वो RY जो मुझे नेम सर याद नहीं है मैंने वो रिवाइज करना तो उधर वो कॉज करेगा कैल्शियम की मूवमेंट. कैल्शियम मूव करके ट्रोपोनिन ट्रोपोमायसिन कॉम्प्लेक्स में जाके अटैच होगा जिससे एक्टिव साइट्स विजिबल हो जाएंगी वहाँ पे. फिर मायोसिन हेड जाके अटैच हो जाएंगे और पावर स्ट्रोक होगी. दिस इज कॉन्ट्रैक्शन होगी सर मसल की DHY. जी ठीक बताया कि कुछ मिसिंग है? कहते हो भाई क्लास वालों. जी हरमैन क्या गलती की है? सॉरी सर मैंने लर्निंग. देखिए 43 रोल नंबर किसका था? 43 आपका था हरमैन. हेलो. यस सर मेरा साइज सर मेरा था. 43 कौन है सर? मेरा था एमन अहमद. एमन तू चुप के बैठी है एमन. जी सर. चलो स्मूथ मसल की कंट्रैक्शन बताओ ना. लास्ट टाइम थ्योरी का टॉप मारा था मेरे ख्याल आपने तो थ्योरी में.
नहीं सर मैंने पहले टेस्ट का चलो स्मूथ मसल की मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म बताओ जल्दी से फिर हम आगे चलें शाबाश ओके सर एसिटाइल कोलीन जो होती है वो बाइंड करती है muscarinic receptors के ऊपर उसके बाद फीज इन्फ्लक्स होता है ऑफ कैल्शियम फ्रॉम एक्सट्रासेलुलर फ्लूइड और कैल्शियम पर बाइंड करता है थ्रू कैलमोड्यूलिन ठीक है कैल्शियम कैलमोड्यूलिन कॉम्प्लेक्स बनता है व्हिच एक्टिवेट्स मायोसिन काइनेज एंजाइम सिस्टम्स एंड उसकी वजह से फॉस्फोराइलेशन होती है ऑफ मायोसिन हेड्स एंड दैट इंक्रीजेस increases myosin EPS activity and then contraction takes place. Acha ji iska ye ki humne beta apna mic band kar do aap caution ho rahi hai. Acha ab ek dafa question aaya hai ye the role of falling during smooth muscle contraction or relaxation calmodulin ka role kya hai myosin kinase ka phosphatase ka ye bhi logon ko pata to hai कैलमोडुलिन का रोल क्या है मायोसिन काइनेज सिस्टम का रोल क्या है मायोसिन फास्फेटेज सिस्टम का है इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना आप लोगों को ठीक है बस ये कैलमोडुलिन का रोल है ये मैंने लिखा हुआ है ये उसका आता है मायोसिन काइनेज और फास्फोरिलेशन मायोसिन है माइक ऑन है ये किसका ऑन था ठीक है उसमें मायोसिन काइनेज फास्फोरिलेशन को हेल्प कर रहा है फास्फोरिलेशन होती है तो जिसके रिजल्ट में कंट्रैक्शन हो जाती है और जो उसकी खत्म हो रही है उसमें ऑब्वियसली आपका जो मायोसिन फास्फेटेज सिस्टम है वो एक्टिवेट हो रहा है जिसके रिजल्ट में रिलैक्सेशन होती है अब ये कुछ थे मल्टी यूनिट और सिंगल यूनिट के अंदर डिफरेंसेस हैं अब यहाँ से देखना चलो ये शेरवुड से मैंने निकाले थे तो ये अगर आप इसको करना है तो कर सकते हैं बाकी ये कि वी आर डन हो गया कम्प्लीट स्मूथ मसल ईजी था कि मुश्किल था स्मूथ मसल्स ईजी था सर समझ आ गई ना ऐसी परेशान हो रहे थे सर इतना भी इजी नहीं था सर याद तो फिर भी करना ही है ना लेकिन मैंने इतना अच्छा पढ़ाया याद कराया मैंने अच्छा पढ़ाया सर कल किसी स्लाइड से होंगे हम लोग सर बैठे पढ़े थे स्लाइड ही पढ़ने स्लाइड जी कर लो यार स्मूथ मसल की स्लाइड जी कर लो बहुत अभी अगर आप मुझे बताया जो ऊपर वाले पोजीशन वाले क्लाउड है जो हमारा 20 30 स्टूडेंट्स का एक क्लाउड है वो तो भाई खेलेगा प्रॉपर यस खेलने दो सर ये बता पैटर्न में से क्या करना क्या नहीं करना इस चैप्टर में से जी सर मैं वो शेयर कर सर बिल्कुल गाइड निकाल लूं सर आपकी आवाज भी कम है सर पता नहीं क्यों कर आवाज आती है सुबह से 8 बजे से मैं बैठा हूं इधर तुम लोग तो क्या कर रहे हो बोल रहा हूं आवाज कम हो गई है देखो जरा हिलने शिकवे नहीं खत्म होते तुम लोग पानी पी ले सर रोजा तो नहीं रुका हुआ नहीं मैंने रोजा नहीं रखा अच्छा तुमने तो नहीं रखा हुआ क्या कर लो अच्छा जी कहाँ गया मैं ये शेयर करूँ हो गया शेयर यस सर यस अच्छा जी इसमें आप एमजे के अंदर आप जाएं तो ये मैंने जो मेरे ख्याल हैंड उसमें हैंडआउट्स में चीजें रख दी हैं वो सारी यही चीजें हैं इसको आप एक दफा जस्ट रीड कर सकते हैं फॉर एमसीक्यूज लेकिन वही सारी चीजें इसमें कुछ अल्फा और गैमा ये डेल्टा वाली चीजें मैंने मेंशन नहीं की हैं ना आप इसको अगर पढ़ लो तो अच्छी बात है अच्छा जी के कोलिनेरेटिव बलियन प्रेफरेंशियल की बात हो गई है ये सारा उसमें कवर कर दिया है जो था कुछ ये एक दो लाइंस हैं कि गोल्जी अपैरेटस में हुआ होता है स्टोर जिसको इनको आप याद कर सकते हैं कि कहाँ बनता है एसिटाइलकोलाइन बना कौन रहा है गोल्जी अपैरेटस में है बाकी ये सारा मैंने उसमें हैंडआउट्स में मेंशन कर दिया ड्रग्स कौन सी स्टिमुलेट कर रही हैं ब्लॉक कौन सी करती हैं करना है मसल एक्शन पोटेंशियल की क्या प्रॉपर्टीज हैं ये कर दी हैं ठीक है उसके बाद ये आपका एक्साइटेशन कंट्रैक्शन कपलिंग आ जाएगी सारी किस तरह वो आर वायर सारा वो मैकेनिज्म उसने एक्सप्लेन कर दिया मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया पूछा मेरे से किसी ने क्वेश्चन ये चैनलोपैथी होती है इसको अगर आपने करना है तो करें लेकिन अभी तक आया नहीं हुआ यूएचएस में लेकिन मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया का क्या रोल है मसल्स में इसमें रेप्टोमायोलाइसिस वगैरह इसमें रेनोडोन रिसेप्टर्स एक्टिवेट इसको एक बार कर लें चैप्टर 7 पूरा है मतलब सर हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें मैंने सारी चीज़ें कवर की हैं ये रेप्टोमायोलाइसिस क्या चीज़ है ठीक है ब्रेकडाउन होती है ये एक कर लेना चीज ये मैंने शायद मिस कर गया हूँ
डेंट्रोलीन का इफेक्ट. ट्रीटमेंट ऑफ मैलिग्नेंट हाइपरथीमिया जनरली इन्वॉल्व्स रैपिड कूलिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेंट्रोलीन ड्रग दैट एंटागोनाइजेस रेनिडॉन रिसेप्टर्स व्हिच इनहिबिट्स कैल्शियम आयन रिलीज फॉर सारकोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड थेरेबाय अटेन्यूएटिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन. ये आपको याद है कि ये कौन यूज करता था? डेंट्रोलीन बड़ा हुआ था मशहूर, जो टेस्ट भी करते थे, ये एथलेटिक एथलीट्स यूज करते थे और इसमें उन्होंने क्या था कि बेसिकली कूलिंग इफेक्ट आता है और वो ज्यादा एक्टिविटी कर सकते हैं. ठीक है, कुछ आया था, कोई इस तरह का स्कैंडल बना था जिसमें डेंट्रोलीन ड्रग्स यूज की हुई थी. अच्छा, शुएब अख्तर ने किया था. अच्छा, उसके बाद एक्साइटेशन मसल की टाइप ऑफ मसल फाइबर्स हमने कर लिए हैं. कंट्रैक्शन का प्रोसेस मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सारा बता दिया है. कंपैरिजन, लैच ब्रिज मैकेनिज्म वेरी इंपॉर्टेंट, स्लो सैक, ये सारा मैंने हैंडआउट्स में दे दिया हुआ है आपको, आप वहाँ से कर लो. ये पूरे चैप्टर इंपॉर्टेंट, इसमें कुछ छोड़ने वाली चीज़ है नहीं. जो छोड़ने वाली चीज़ें थी मैंने वो शुरू में आपको बता दी हैं मसल में जो छोड़ने वाली थी, लेकिन ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. एक्साइटेटरी इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये इनके नाम सिर्फ याद कर लो, एसिटाइलकोलीन तो एक्साइटेटरी और नॉरएपिनेफ्रिन. ठीक, और बस इनके ब्रीफ ब्रीफ स्पाइक पोटेंशियल्स की क्वालिटीज. लेकिन मेन जो सवाल इसमें आने वाला है वो जो आता है यूएचएस में, बेटा ये जरूर करो, अभी पूछ रहा था कोई, हार्मोन्स का इन्फ्लुएंस जरूर कर लो, क्योंकि अभी इस चैप्टर में तो आप कर रहे हो, लेकिन अल्टीमेटली जब आप पूरी फिजियोलॉजी कर लोगे तो इतने ज्यादा इन्फ्लुएंसेस हैं हार्मोन कि आपको कि हम कौन सा करें कौन सा ना करें. तो ये आप कर लो, अभी कल टेस्ट में आ सकता है इफेक्ट्स ऑफ हार्मोन. अच्छा जी, लोकल टिश्यू फैक्टर्स ये रहने दो, बाकी ये रिलैक्सेशन कंट्रैक्शन मैंने बता दिया, कल मेरे से किसी ने पूछा हुआ था, ये रिलैक्सेशन का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया सारा. तो ये इंशाल्लाह आपका चीज मैंने सारी कवर कर दी हैं. आई होप के आप लोग इसको बताना प्रिपेयर कर लो. अब आपके एंड पे है, आपने पहले भी मसल तो प्रिपेयर कर लिया हुआ था, ऑडियो भी भेज दी थी, लेकिन मैंने आज कोशिश की है कि मैं सारी चीज़ें बड़े रिलैक्स तरीके से बताऊं और उसको मेक श्योर करूं कि आप लोगों को याद हो जाए स्मूथ मसल. आई होप कि अगर आप अभी घंटे बाद पढ़ लोगे ना स्मूथ मसल, तो आपको स्मूथ मसल रट जाएगा, ये आपका फायदा होगा आज, क्योंकि अभी फ्रेश कॉन्सेप्ट है. अभी अगर आप घंटे तक डेढ़ घंटे उसको एक दफा रीड कर लेते हो या रट्टा लगा लेते हो तो फिर जाने वाला अभी बायोकेम पढ़ेंगे सारा भूल जाएगा सर. अच्छा, अभी जो हमने पीछे पढ़ा है कि मायोसिन जो है उसकी फास्फोरिलेशन होती है, तो सर उसमें मतलब के जो मसल्स में डीपोलराइजेशन होती है भाई, उसमें स्पाइक पोटेंशियल्स भी तो आ रहे हैं ना, देखो तो सही, एक्शन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो नहीं रही, स्लो वेव्स बन रही हैं. हमने आयंस का लेना पड़ा आयंस का रोल, लेकिन आयंस का रोल इन्फ्लुएंस है जरूर, सोडियम आयंस का रोल है, लेकिन बहुत वो स्लो वेव्स हैं उनका. देखो आरएमपी भी बहुत लो है, वो स्लो वेव्स होती हैं, सडनली वो स्पाइक्स कन्वर्ट हो जाते हैं, आपको कुछ स्टिमुलस मिलता है, कोई फूड बोलस आता है या कोई केमिकल रिलीज होता है, तो स्ट्रेच की वजह से सडनली वो एक स्पाइक वेव्स क्रिएट हो जाती है. लेकिन इसमें इसका जो इन्फ्लुएंस है आयंस के रेफरेंस से वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कि मेनली स्केलेटल मसल में और सबसे इंपॉर्टेंटली नर्व सेल है. जो सर एसिटाइलकोलीन है, एसिटाइलकोलीन तो है किसमें, स्मूथ में जी है, बिल्कुल है स्मूथ में, क्यों नहीं है एसिटाइलकोलीन, अभी बताया था. देखो एसिटाइलकोलीन ऐसे तो नहीं पढ़ी जिस तरह हमने स्केलेटल मसल्स में पढ़ी थी, कि जिस तरह वो वहां तो प्रोमिनेंट है ना, वो तो और उसका सारा स्ट्रक्चर उन्होंने बता दिया, लेकिन यहाँ पर जो इसका एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पर उसने एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी के रेफरेंस से बात की हुई है. देखो उसने एसिटाइलकोलीन और नॉरएड्रेनालिन की बात की है यहाँ पर, अभी मैंने देखा था जो मैंने बात की थी कि ये देखो ठीक है, एक्साइटेटरी इनहिबिटरी ट्रांसमिटर सब्सटेंसेस क्रिएटेड बाय द स्मूथ मसल न्यूरोट्रांसमिटर जंक्शन एनएमजे, जो सो कॉल्ड एनएमजे जंक्शंस हैं या वेरी कॉस्टीज हैं, वहां से देखो पता क्या, कई दफा आ रहा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहता है कंट्रैक्शन करो, कई दफा कहता है रिलैक्सेशन करो, जब उसने कंट्रैक्शन करवानी है तो फिर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर भेजता है, रिलीज होगा, जब रिलैक्सेशन करवानी तो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, ताकि वो फिर आगे जाके नर्व आगे जाता ही नहीं और वो कंट्रैक्शन या रिलैक्सेशन होती है. तो डिपेंड्स कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्ट्रेस का एनवायरनमेंट है, अब स्ट्रेस के एनवायरनमेंट में आपको भूख तो कभी नहीं लगेगी आपकी, बल्कि हार्ट बीट तेज हो जाती है, ऐसा होता है ना, तो आपके स्मूथ मसल्स इनर्वेट कर रहे हैं, उसकी वजह से एक्साइटेटरी एक्टिविटी आ रहा है. अब एकदम फिर बैठे आप सोए में तो सडनली तो आपका हार्ट रेट इंक्रीज नहीं कर सकता ना,
ठीक है ना, डिपेंड्स के कैसा वो जो ट्रांसमिटर रिलीज हो रहा है, एक्साइटेटरी हो रहा है, बैटरी हो रहा है, ठीक है। ये देखो सर मेरी बात सुन रहे हैं आप, प्लीज मेरे टाइप्स रिपीट कर दें, मेरा इंटरनेट बंद हो गया था। उसी टाइप्स सर, ये जो है यूनिटरी स्मूथ मसल्स की और मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स। अच्छा मैं भेज दूं, ये लो, किधर गया, शेयर हो गया, व्यू हो रहा है, नजर आ रहा है जी। ये दो टाइप्स हैं, सिंगल, ये सिंगल यूनिट स्मूथ मसल्स और मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स। सिंगल यूनिट यही बात हुई थी कि यूनिटरी स्मूथ मसल है, सिंगल यूनिट काम कर रहे हैं, रीजन क्या, आपस में एडहेरेंट टू ईच अदर हैं, बीच में गैप जंक्शंस हैं, आयंस का फ्लो बहुत इजीली हो जाता है जिसकी वजह से सारे मसल्स एक यूनिटी में काम करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज यूनिटरी स्मूथ मसल या विस्सरल स्मूथ मसल्स। इसकी एग्जांपल्स हैं जीआईटी, बाइल डक्ट्स, यूरेटर्स, यूट्रस एंड ब्लड वेसल्स। और जो मल्टी यूनिट है उसमें एक डिफरेंट फाइबर्स अपना इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, ठीक है। जब इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं तो मिक्स वैरायटी आती है, कुछ कंट्रैक्टेड एरियाज होते हैं, कुछ रिलैक्स्ड एरियाज होते हैं, ठीक है। इसमें इसके बस लार्ज एयरवेज टू लंग्स हैं, लार्ज आर्टरीज, इंटरनल आई मसल्स, सिलरी मसल्स ऑफ आई, आयरिस मसल्स ऑफ आई, पाइलोरेक्टर मसल्स दैट कॉज इरेक्शन ऑफ हेयर्स, ठीक है। ये सारे इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, इसको एक बार रीड करो, बहुत इजी है। ओके सर। अच्छा सर मेरी बात सुनिए, इसके बाद से मेरा इंटरनेट आना बंद हो गया था, तो मैंने लास्ट टाइम तब ज्वाइन किया जब आपने सारा प्रोसेस बताया कि जो इन्फ्लक्स हो रहा है। सर फखर शहजाद। फखर शहजाद, तू फखरे परेशान है, इंटरनेट चला गया तो अभी तो आ गए, तूने सारा सर कर दिया। क्या अब तुम्हें कंट्रैक्शन के अंदर बात हो रही है? बस ऊपर पर से आप काइंडली बता दें, बाकी तो सर वो ये जाके नोट्स में है। देखो मैं बताता हूं कैसे लोली जो है ना सबसे पहले रिलीज हुई है, मसल नहीं, इससे इससे पीछे वाला, ये वाला मुझे समझ आ गया था। क्या ये जो सारा पार्ट है ये समझ नहीं, ये वाला समझ आया तो बस जो प्रोसेस है ना वो समझ आ गया था मुझे। तो क्या नहीं समझ आया सर? मेरी बात सुने, जहाँ से टाइप शुरू होती है ना वहाँ से लेकर, और जा रही हूँ कि जहाँ से टाइप शुरू हो रही है वहाँ से लेकर मैं एंड तक लेक्चर रिपीट करूँ, और वाई के माले से नहीं करना, जहाँ तक लोगों ने आगे हमारी कनाडियन वालों से करवा दी, अब तुम वाई के वालों से भी जा रही हो। ठीक है सर, ना ठीक है, समझ आ गई। पहले इसको पढ़ लो, नहीं अगर प्रॉब्लम हो पूछ लेना फिर बाद में। सर लैच मैकेनिज्म समझा दें। थैंक यू। लैच मैकेनिज्म को क्या हुआ सर? उसके ऐसा थोड़ा जानो सा बता दें सर उसे दोबारा एक दफा। पढ़ो इसे, पढ़ो तुम पढ़ोगे। The latch mechanism facilitates prolonged holding of contractions of smooth muscles. Once smooth muscles have developed full contraction, the amount of continuing excitation can usually be reduced to far less than the initial level, even though the muscle maintains its full force of contraction. The phosphorylated myosin gets attached to the actin molecule for a longer period, and it is responsible for sustained contraction of smooth muscle with expenditure of less energy. तो काम क्या हुआ कि जी हमारा इस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंगली क्या प्रोलॉन्ग कंट्रैक्शंस मिल रही हैं, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए अटैचमेंट हुई हुई है कि वैसे लॉन्गर कंट्रैक्शंस मिल रही हैं और कम एटीपी यूज हो रही है। दिस इज लैच ब्रिज मैकेनिज्म सर। तो इसमें अगर नर्वस इंपल्स आएगा कोई तो फिर उसे अगर उसे नहीं आएगा जब होगा, जब भी ये कंट्रैक्शन होनी है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए ही हो रही है, लैच ब्रिज मैकेनिज्म फॉलो होता है, कभी नहीं होता कि लैच ब्रिज मैकेनिज्म फॉलो ना, हमेशा स्मूथ मसल में लॉन्गर कंट्रैक्शंस होती है, शॉर्टर कंट्रैक्शन कभी भी नहीं होती है। उसकी बिल्ट इन है उसके अंदर, ये कि जब भी अटैचमेंट होनी है तो वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होगी, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होगी। रीजन क्या? स्लो साइकिलिंग मैकेनिज्म, लेस एटीपीएस एक्टिविटी, दैट्स व्हाई लॉन्गर कॉन्ट्रैक्शंस होंगी। इस फिनोमेना को लैच ब्रिज मैकेनिज्म कहा जाता है। सही है सर। सर हमारा वाइवा कितने बजे होगा कल? कल वाइवा इंशाल्लाह हम रखेंगे शाम को। वाइवा आपका सोच रहे थे हम नंबर इंक्रीज कर दें 20 नंबर का कर। जाल बना हुआ है हमारा स्मूथ मसल के अंदर, सारा जी आई टी को मसल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की प्रोसेस चल रही है। जब हम खाना खाते हैं हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है। आपके मुंह में पानी क्यों आया? कैसे आता है? अभी तो कुछ खाया है? सर फीड फॉरवर्ड की वजह से। हां आपके माइंड में कुछ गया ना, आपने देखा, आपके माइंड में कुछ गया तो आपकी स्टिमुलेशन हुई, ठीक है। इसी तरह जब आप कुछ खाते हैं तो फिर आपकी स्टिमुलेशन होती है, आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम काम करता है,
जिसके रिजल्ट में आपकी एक्टिवेशन होती है। सर वही ना, देखिए जैसे खाना अंदर जाता है तो हमारे रिसेप्टर्स डिटेक्ट करते हैं कि कोई चीज आ रही है, तो वो हमारे मैसेज ब्रेन तक जाता है, तो फिर इसी हमारी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, पेरिस्टाल्टिक होती है, मूवमेंट्स होते हैं पेरिस्टाल्टिक, और इसी को स्पाइक पोटेंशियल कहते हैं, जो मतलब के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन रिजल्ट में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रही है ना, सडनली जो पीक्स आती है, वरना तो आपका स्लोली स्लोली आपका जीआईटी में मूवमेंट हो रही है। कभी आप देखो आपके कहते हैं ना, आपको होता है मेरे पेट में मूवमेंट हो रही है हल्की हल्की, वो हल्की हल्की मूवमेंट हो रही है, कंटिन्यूअस स्लो वेव्स बन रही हैं, लेकिन जब उसको ट्रिगर मिलता है कोई होता है, जब एग्जांपल आपका कोई होता है ना, कोई आता है मेरे पेट में बहुत सीरियस दर्द शुरू हो गई, इट मींस कि कोई ट्रिगर मिल रहा है उसको। यस सर, इसका मतलब देखिए स्केलेटल मसल्स में मसल टोन होता है और इसमें अपना ये स्लो वेव क्रिएट की होती है, स्लो वेव्स बिल्कुल होती है, स्लो वेव्स होती है। अच्छा सर, जो प्लेट्यू की फॉर्मेशन है वो हमने पढ़ा है, मसल स्केलेटल मसल फाइबर में प्लेट्यू नहीं ना बनते, स्केलेटल मसल प्लेट्यू इस तरह नहीं होता, लेकिन वो उसने वहां पर समेशन के रेफरेंस से बात की हुई है कि वो स्टेंट कंट्रैक्शन हो जाती है, जिसको प्लेटू रेफर किया उसने, ठीक है? और सर इनमें प्लेटू होता है? इनमें प्लेटू ऐसे नहीं, इनमें प्लेटू बनेगा बिल्कुल, हम जब ये वेंट्रिकुलर एक्शन पोटेंशियल पढ़ेंगे मसल के अंदर, वहां मैं बताऊंगा कैल्शियम का रोल। सर एक आपने मायोपैथी सिंड्रोम बताया था, मायकार्डी शायद, वो दोबारा बता दें। मायकार्डियल सिंड्रोम में ये होता है कि हमारी बॉडी के अंदर मसल्स के अंदर जो मेटाबॉलिजम्स हैं उनके एंजाइम्स है ना जो, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं मसल के अंदर, वो डिस्ट्रॉय नहीं हो पाते, उनकी एक्युमुलेशन होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर शुरू होना शुरू हो जाते हैं, मायोपैथीज होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उसको मायकार्डियल सिंड्रोम कहते हैं। चलें जी, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ, ठीक है।